गुजरात में सत्ता से सियासी बनवास तोड़ने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिन रात एक किए हुए हैं। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में उतरने जा रहे हैं। राहुल गुजरात का चौथा 3 दिवसीय दौरा शुरू कर रहे हैं। मिशन गुजरात को फतह करने के लिए राहुल गांधी ने सौराष्ट्र में चुनावी बिगल फूंका था। इसी कड़ी में अब चौथे दौरे में नरेंद्र मोदी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले नॉर्थ गुजरात में अब राहुल गांधी दस्तक देने जा रहे हैं। राहुल गुजरात के बनासकांठा जिले में अंबाजी के प्रसिद्ध मंदिर में माथा भी टेकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अंबाजी मंदिर का दौरा किया था, जो प्रसिद्ध मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। गुजरात में ही नहीं बल्कि देश में भी अंबाजी मंदिर की बड़ी अहमियत है। नॉर्थ गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इतना ही नहीं, गुजरात में पाटीदार आंदोलन का मुख्य केंद्र भी नॉर्थ गुजरात था। नॉर्थ गुजरात में राहुल जिन रास्तों से गुजरेंगे, उन जिलों में ठाकुर और पाटीदार समुदाय की एक बड़ी आबादी है। कांग्रेस ने गुजरात में ठाकुर समुदाय के नेता अल्पेश ठाकुर को अपने संग मिला लिया है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा में अल्पेश ठाकुर भी साथ नजर आएंगे। इसके अलावा राहुल को अल्पेश अपनी सियासी ताकत से भी रूबरू कराने वाले हैं। अल्पेश ठाकुर बनासकांठा जिले से चुनाव लड़ने की चाहत पाले हुए हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। सौराष्ट्र के बाद नॉर्थ गुजरात पाटीदार समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। राहुल गांधी और पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल भी इस इलाके में अपनी राजनीतिक ताकत की नुमाइश राहुल गांधी के सामने पेश करेंगे।